दफा एक छोटे से शहर के पेट्रोल पंप पर एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज बेंज आके खड़ी हो जाती है। अब जो लड़का उस पेट्रोल पंप पे काम करता है उस गाड़ी को देखते ही वो एक्साइटेड हो जाता है, माने कि उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। अब उस गाड़ी से एक मालिक निकलता है गाड़ी का और कहता है कि इसमें 2000 का पेट्रोल डाल दो। जब वो 2000 रुपए का पेट्रोल डालने लगता है तो वो मालिक उसको देखता है, तो वो लड़का उस गाड़ी को इतनी खुशी से देख रहा होता है कि जैसे उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। गाड़ी का मालिक उसको देखता है और उससे पूछता है कि तुम इसको ऐसे क्यों देख रहे हो, तो वो लड़का कहता है, सर दिस इज माई ड्रीम कार, सर ये गाड़ी मेरा ख्वाब है। लड़का कहता है कि सर मेरी भी एक ख्वाहिश है कि मैं भी एक बहुत बड़ा आदमी बनूं, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनूं और इस जैसी गाड़ी मैं भी एक खरीद सकूं। और वो आदमी उस गाड़ी का मालिक थोड़ी देर तक सोचता है और अपने एक विजिटिंग कार्ड निकाल के उस लड़के को देता है। जब वो लड़के को एक अपना विजिटिंग कार्ड निकाल के देता है और कहता है, तुम मुझे इस ड्रेस पर आके कल मिलो, मैं तुम्हें कुछ बिजनेस के आइडिये दूंगा, मैं तुम्हें बिजनेस करना सिखाऊंगा, हो सकता है कि तुम भी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन बन सको। विजिटिंग कार्ड पकड़ता है और वो विजिटिंग कार्ड देखता है और सोचता है कि ये मुझसे पता नहीं कौन सा काम करवाएगा, हो सकता है कि ये मुझसे कोई फेक काम करवाए। आजकल तो टीवी पर भी बहुत ज्यादा न्यूज चली हुई है कि ऐसे फेक कामों से बचना है। कार्ड को डस्टबिन में फेंक देता है और अपना रूटीन के मुताबिक वो जैसे पहले पेट्रोल डाल रहा था ऐसे ही गाड़ी आती है, वो पेट्रोल डालता है और वो कार्ड भूल जाता है, वो ड्रेस भूल जाता है। और इसी तरह ही 3 साल के बाद एक और मर्सिडीज गाड़ी आके उसी तरह की खड़ी होती है और उसी तरह ही वो लड़का फिर एक्साइटेड हो जाता है। और जब वो लड़का एक्साइटेड होता है उस माने के फिर उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। अब उस गाड़ी में उस गाड़ी का मालिक निकलता है और गाड़ी का मालिक अब वो नहीं होता, अब ये कोई और होता है। जब उस लड़के को कहता है कि इसमें 2000 का पेट्रोल डाल दो, तो वो लड़का उसी गाड़ी को इसी तरीके से देख रहा था जिस तरह से उसने पहले देखा था गाड़ी को। अब वो गाड़ी का मालिक उससे कहता है कि तुम्हें कुछ याद है कि आज से 3 साल पहले इसी पेट्रोल पंप पर इसी तरह की एक गाड़ी आकर रुकी थी? और वो लड़का कहता, हाँ मुझे याद है, लेकिन ये बात तुम्हें कैसे पता? वो गाड़ी का मालिक कहता है, आज से 3 साल पहले मैं इस पेट्रोल पंप पर सफाई करता था और जब मैंने तुम्हारी वो बात सारी सुनी और उस गाड़ी के मालिक की बात सारी सुनी तो तुम्हें उसने एक विजिटिंग कार्ड दिया था जो कि तुमने डस्टबिन में फेंक दिया था। सारी बात सुन रहा था और देख रहा था और वो विजिटिंग कार्ड जब तुमने फेंका तो वो विजिटिंग कार्ड मैंने उठा लिया। मैंने सोचा कि हो सकता है कि ये मुझे कामयाबी दे और मैं वो विजिटिंग कार्ड उठाया मैंने और मैं उस एड्रेस पे चला गया। उस गाड़ी का जो मालिक था मैं उसके पास गया, मैं मुझे उसने मुकम्मल बिजनेस के आइडिए दिए, मुझे उसने बिजनेस करना सिखाया और आज 3 साल के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस गाड़ी का मालिक बन चुका हूँ। आपको भी एक अपॉर्चुनिटी मिली थी दोस्तों। अब यहाँ पे बात समझने वाली क्या है कि जब भी आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी देता है तो आप एक दफ़ा उसको बिला झिझक बिला माइंड में सोचे एक दफ़ा उस बात पे अपॉर्चुनिटी पे मुतफिक हो जाओ, कामयाब इंसान बन सकते हो, आप मेरी बात ये मान लो तो आप बिना झिझक उसकी एक दफ़ा बात मान सकते हैं। और जब दोस्तों अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी और अगर मेरा ये मैसेज आपको समझ आ गया तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करो और वीडियो को कमेंट करके मुझे बताना कि इस वीडियो में से आपको क्या समझ आया है और क्या मुझे इसी तरह की और वीडियोस बनानी चाहिए।